महा कवरेज लगातार जारी है शपथ समारोह को लेकर। बस चंद घंटों का इंतजार, या फिर आप यूं कहें कि बस घंटे का इंतजार है। 12:30 बज चुके हैं और 1.5 घंटे बाद वो क्षण आ जाएगा। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और 28 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 12, आरजेडी कोटे से 12 और कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक आरजेडी सुप्रमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। आज जेडीयू से 12, आरजेडी से 12 और कांग्रेस के 4 सदस्य नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और लगातार हम तैयारियों की तस्वीर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और जो मंत्री बनने वाले हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनसे खास बातचीत भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई अहम नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं जो मेहमान के तौर पर आ रहे हैं या पहुंच चुके हैं। इस वक्त सीधे रुक करेंगे गांधी मैदान का, वो गांधी मैदान जहां सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं। साकेत हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। साकेत, 12:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटे बस, क्या अब वहां पर गहमा गहमी? देखिए बिल्कुल गहमा गहमी बढ़ गई है यहाँ पर, क्योंकि 1.5 घंटे का समय बस बचा हुआ है। 2 बजे यहाँ पर तमाम जो नीतीश कुमार के साथ उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद होगा और गहमा गहमी बढ़ गई है। मैं तस्वीर एक बार दिखाऊं आपको जो गेस्ट्स के लिए बनाए गए हैं। वहाँ पर देखिए आप, तमाम जो गेस्ट हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है बैठने की, जनता भी पीछे आ चुकी है काफ़ी संख्या में। जो आम लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहाँ तक कैमरा नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं। इस वजह से वहाँ तक मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरी तैयारी अब हो चुकी है। बस इंतजार है कि तमाम जो गेस्ट, जो नीतीश कुमार के तरफ से या यूं कहें महागठबंधन के तरफ से जो तमाम गेस्ट को न्योता दिया गया है, जो पूरे देश भर से कई राज्यों के अहम जो कह सकते हैं नेता हैं, वो पहुंचेंगे। बस इंतजार उन्हीं का किया जा रहा है और सबसे बेसब्री से इंतजार नीतीश कुमार का हो रहा है कि वो जो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ जो 28 मंत्रियों का कैबिनेट जो आज शपथ लेगा, उसको लेकर भी काफ़ी कौतूहल की स्थिति है। हालांकि लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों को जो लिस्ट है वो दिखा रहा है, बता रहा है, और निश्चित तौर पर ये पुख्ता जो कह सकते हैं लिस्ट है, इसी 28 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ भी लेना है। अब इंतजार बस इसी चीज़ का है, लेकिन पूरी तरह से तैयारी यहाँ पूरी हो चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर बात करें लोगों की, जो 2 लाख लोगों के आने की बात लगातार की जा रही थी कि 2 लाख की संख्या में यहाँ पर आम लोग आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने में, उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। लेकिन उत्साह लोगों में है, जो यहाँ पहुँचे हैं उनमें जरूर उत्साह है, लेकिन उतनी संख्या अभी तक यहाँ पर नहीं दिखी है।